हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? ऐसा करते हो आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आज के डेट में जो बहुत ही ज्यादा तगड़ा फोन आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं, और दोस्तों जो फोन हम यूज कर रहे हैं इसी का अगला वर्जन हम लेके आ चुके हैं। और दोस्तों हमारे पास भी आपको ओप्पो F21 मिल जाएगा, और दोस्तों ये भी हम जो अभी आपको बताने वाले ओप्पो 21 5G में मिलने वाला है। तो दोस्तों हमारे पास 4G में, लेकिन हम 5G का लेके आ चुके हैं। और दोस्तों हमारे फोन का अनबॉक्सिंग तो आपने देख ही लिया, और क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज्यादा गजब का फोन है, और दोस्तों बहुत ज्यादा हमें यूज करने में बहुत बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों इसी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे ये भी फोन बहुत ही अच्छा है, और दोस्तों अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में, ये किस तरह का फोन है, कैसे यूज कर पाएंगे, और दोस्तों क्या क्या प्रोसेस इसमें आपको दिया गया है, हमारे फोन से क्या अलग इसमें दिया गया। तो सबसे पहले चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ के फोन के लुक की बात करें तो फोन का लुक लगभग एक जैसा लगता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं फ्रंट साइड, देखने में तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है जिस तरह का हमारा फोन है। तो अपने बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया था कि आपका फोन कौन सा है, तो चलिए देख लेते हैं। और दोस्तों देखिए फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड दोनों सेम लग रहा है, जैसा हमारा फोन है उसी तरह का ये भी फोन आपको देखने में लगता है। और दोस्तों अब आ जाए बैक साइड में, तो बैक साइड में हमारे फोन में आपको 3 कैमरा मिलता है, इसमें भी 3 कैमरा मिलता है, लेकिन दोस्तों इसमें अलग तरह से दिया हुआ है। हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया, लेकिन इसमें आपको इस प्रकार से मिलता है, तो इसमें भी आपको 3 कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। इसमें रियल कैमरा की बात करें तो रियल कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का मिलता है, हमारे फोन में भी 64 मेगापिक्सल का मिलता है। और दोस्तों फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड 32 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है। तो दोस्तों कैमरा में ज्यादा तो फर्क नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और दोस्तों तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का हमारा भी है और ये भी है। तो दोस्तों पीछे बैक साइड का कैमरा की बात करें तो कैमरा में कोई फर्क नहीं है, बैक साइड आइए या फ्रंट साइड आइए तो कैमरा में कोई फर्क नहीं है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं इसमें फर्क क्या है। तो दोस्तों इसमें भी आपको फ्लैश लाइट मिल जाता है, उसमें भी फ्लैश लाइट मिल जाता था, जो कि बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का आपको मिलता था। तो इसमें रैम की बात करें तो इसमें भी आपको रैम आपको मिल जाता है, रैम आपको 8GB 128GB में मिल जाता है, और हमारे फोन में भी 8GB 128GB है, जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक आपको देखने में लगता है। तो अब बात करते हैं इसमें अलग क्या है। तो चलिए यहाँ पे आप कैमरा पे देख पा रहे हैं, और दोस्तों ये हमारा फोन है, और ये अभी जो आपको बता रहे हैं रेनो F21 5G। और दोस्तों चलिए बात करते हैं इसमें आपको क्या फर्क मिलता है। तो यहाँ पे हमारा फोन देख पा रहे हैं तो इसमें आपको रिंग लाइट मिलता है, जो कि एक रिंग लाइट मिलता है जो कि मैक्रोस्कोप कैमरा के लिए। और दोस्तों इसमें जो मिलता है, इसमें आपको दोनों कैमरे पे आपको रिंग लाइट मिलता है। रिंग लाइट का क्या काम होता है आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। तो रिंग लाइट देखिए, जब भी मैक्रोस्कोप कैमरा ओपन करते हैं, तो जैसे कि इसमें नीचे वाला मैक्रोस्कोप कैमरा है, तो मैक्रोस्कोप ओपन कीजिएगा तो वो मैक्रोस्कोप के लिए एक रिंग लाइट दिया जाता है, जिसमें कि आपको क्या फायदा होता है, आपका अगर लाइट नहीं भी होता है तो उसमें आप कोई भी सामान को सही तरह से देख पा रहे हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे ये एक फोटो आपको दिखा रहे हैं, तो ये फोटो आप देख के बता सकते हैं कि अगर बता सकते तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा ये क्या चीज का फोटो है। अगर नहीं बता सकते तो आपको हमें 24 घंटे के अंदर जो है आपको पिन कर देंगे क्या चीज का ये, तो कमेंट में पिन आपको मिल जाएगा क्या चीज का ये फोटो है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। और दोस्तों मैक्रोस्कोप के बारे में आपको पता चल चुका है, मैक्रोस्कोप है कोई भी छोटे से छोटे चीजों को आप देख सकते हैं सही तरह से। और रिंग लाइट का दूसरा काम क्या होता है, जब भी आप फोन को चार्जिंग पे लगाइएगा तो चार्जिंग पे जब भी लगाइएगा तो आपका रिंग लाइट जो है पूरा जला हुआ रहेगा, जैसे आपका फुल चार्ज हो जाता है 100% चार्ज हो जाता है तब का वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इससे आप एक सिंबल भी समझ सकते हैं कि आपने चार्जिंग अपना हो गया है फोन अगर लगा के छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इसमें और भी ज्यादा कुछ फर्क हमारे फोन से नहीं लग रहा है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसमें और भी क्या चीज, तो इसमें हम बता दें तो अगर गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं, जैसे कि हमारा फोन गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, गेमिंग में आपको पता होगा हमें गेम भी खेलते हैं। तो दोस्तों गेमिंग में क्या है, तो दोस्तों गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि दोस्तों प्रोसेसर अच्छा है। और दोस्तों इसका आपको टच की बात करें तो टच जो है, टच आपको 120 हर्ट्ज का मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है, और दोस्तों बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। अगर आपने यूज किए होंगे तो आपको पता होगा, और दोस्तों अगर नहीं यूज किया तो आप एक बार इस फोन को जरूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों इसमें रिंग लाइट की बात करें तो देख पा रहे कुछ इस प्रकार से आपको रिंग लाइट मिल जाता है। और दोस्तों इसमें टच भी बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, और कैमरा सेल्फी के लिए भी बहुत अच्छा फोन मिलता है। और दोस्तों ये दो कलर में आपको फोन मिलने वाला है, तो दोस्तों दोनों कलर आप देख पा रहे हैं, पहला कलर जो ये व्हाइट कलर में मिलेगा, जो कि आपको रोटेट मोड मिलेगा, यानी कि आप रोटेट कीजिएगा तो कलर बार बार चेंज होते रहेगा। और दोस्तों दूसरा कलर आपको ब्लैक में मिल जाएगा, जो कि ब्लैक भी बहुत अच्छा है। तो चलिए अब इसके सिम कार्ड के बारे में बात करते हैं, नीचे ऊपर के बारे में बात करते हैं।
तो पहले ऊपर साइड देखा जाए तो ये ऊपर साइड ज्यादा कुछ भी आपको देखने को लिए नहीं मिलता, एक छोटा सा हॉल मिलता है जो कि आप उसे यूज किस लिए कर सकते हैं, अगर टीवी का रिमोट अगर खो गया तो टीवी कंट्रोल करने के लिए इसके आप यूज कर सकते हैं। और नीचे साइड की बात करें तो नीचे साइड जैसे ही आता है तो यहाँ पे आपको कई सारा ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको नीचे साइड एक स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है, दूसरा चीज आपको मिल जाता है यहाँ पे चार्जिंग का चार्जर चार्जिंग जैक का, और दोस्तों तीसरा जो आपको मिलता है हेडफोन जैक का, तो ये तीनों आपको मिल जाता है। और दोस्तों देखने में भी बहुत लुकफुल फोन है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगर दोस्तों आप यूज करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि आपको पास कोई भी बढ़िया फोन हो तो दोस्तों आप ले सकते हैं। और दोस्तों लेने के बाद आपको, और यहाँ पे साइड की बात करें तो साइड में आपको देखने को मिल जाता है, राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में आपको पावर बटन मिल जाता है, और दोस्तों लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम बटन मिल जाता है। और दोस्तों आपको इसके बारे में पूरा जानकारी आपको समझ में आ गया, दोस्तों समझ में आ गया तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।